الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اخلاص عقیدت محبت کے ساتھ ایک دفعہ نماز والا درود شریف پڑھے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز حاضرين بزرگان دين جماعت مسلمين امت بہترین اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم کا معاملہ فرمایا دین کی نسبت پر اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع فرمایا ہمارے اشرف بھائی کے کچھ قریبی رشتہ دار بارگاہ ازدی میں جا چکے ہیں بالخصوص خدیجہ آپا دیگر بھی رشتہ دار ہے اللہ تعالیٰ سے ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں اللہ مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت کی بہار نصیب فرمائے یہ دنیا مسلمانوں فانی جہان ہے کسی کے اظہار تعزیت کے لیے آج بیٹھے ہوئے کل ہم قبروں میں ہوں گے ہماری اظہار تعزیت کی بھی مجلس منعقد کی جائیں گی کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے محفل کا ہے رنگ وہی ساقی کی نوازش جاری ہے مہمان بدلتے رہتے آتے ہوئے اذان ہوئی جاتے ہوئے نماز بس اتنی سی دیر لگی آئے چلے گئے آج ہم دنیا میں شاغل ہو گئے دنیا کے قائل ہو گئے دنیا کی طرف مائل ہو گئے
आखिरत और कब्र के अंधेरे से हम गाफिल हो गए। हर मसले में लोग इख्तलाफ करते और हो भी सकता है। मौत एक ऐसा मसला है, पूरी दुनिया के लोगों का इसमें इत्तेफाक है कि एक न एक दिन हर एक को दुनिया छोड़ के जाना है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मकी हो गए बेमका कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है, कुल मताउ दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन तका वला तुज़लमून फतीला। दुनिया बहुत थोड़े दिनों का सौदा, तुमने उस पर दिल क्यों जमा लिया। कुलु व तमत्तउ कलीला इन्नकुम मुजरिमून। अल्लाह फरमाता है, खा लो पी लो मजे उड़ा लो, सौदा चंद दिनों का, करोड़ों साल जिंदगी का कोई इंतजाम नहीं। तुम ला यमूतु फीहा वला यहया, ऐसी जगह जाकर पढ़ोगे जहां ना मौत आएगी ना जिंदगी बनेगी। उस इस दारे फानी के अंदर बड़े बड़े लोग आए, अरे बड़े बड़े लोग आए, बदकार भी आए, बावकार भी आए, अंबिया भी आए, अवलिया भी आए, असफिया भी आए, अतकिया भी आए, बड़े बड़े ताजिर आए, बड़े बड़े मालदार आए, आए, बेहजबीन आए, दिल नशीन आए, नाजनीन आए, बड़े बड़े व्यापारी आए, अपना अपना वक्त गुजार कर आखिरत की तरफ मुंतकिल हो गए। मानिकपुर वालों का कुरान कहता है, कुल्लु नफ्सिन दाइकतुल मौत, हर जी रूह को मौत का मजा चखना है। अइना मा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलव कुंतुम फी बुरुजिन मुशय्यदा। घरों में चले जाओ, सहराओं में चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, घरों में छुप जाओ, एक न एक दिन मौत आके दबोच लेंगी। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरून मिन्हु फइन्नहु मुलाकीकुम थुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैब वश्शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। अल्लाह फरमाता है, कितना भी चाहो मौत से तुम भागते रहो, लेकिन मौत आके तुम्हें पकड़ लेंगी। ऐसे बड़े बादशाह के सामने हमारी पेशी होंगी, जो हमारा जाहिर भी जानता है, हमारा बातिन भी जानता है। एक वक्त आएगा मानिकपुर वालों, अल्लाह के दरबार में हमारी पेशी होंगी, अल्लाह दाने दाने का हिसाब मांगेगा। कितने लोग दुनिया में आए, कितने लोग चले गए। 23 साल हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सुनहरी दौर खत्म हुआ। 144,000 सहाबा की जमात तैयार हो गई, जिस मिशन जिस मकसद के लिए मेरे अल्लाह ने हमारे नबी को दुनिया में भेजा था, वो मिशन वो मकसद पूरा हो गया। इदा जा अनसरुल्लाहि वल फतह, जब ये सूरत उतरी हमारे नबी रुकू और सुजूद के अंदर, कयामत कायदे के अंदर, जिक्र रहमान तिलावत कुरान के अंदर, आमिना के लाल का दिन भी गुजर रहा है, रात भी गुजर रही है। तकरीबन 20 दिन का एहतिकाफ फरमाया इस सूरत के उतरने के बाद। इशारा था, महबूब आखिरत की तैयारी कर लो। कुरान मजीद के दो दौर फरमाए, और उससे पहले भी कोई कम इबादत थोड़ी थी। इबादत का तो ये हाल था, बुखारी शरीफ में मौजूद है, पेड़ी मुबारक में वरम आ जाता था, पांव मुबारक में वरम आ जाता था। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका तय्यिबा ताहिरा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज किया, गुफिर लका मा तकद्दम मिन ज़म्बिक, गुनाह कोई नहीं, कुसूर कोई नहीं, खता कोई नहीं, फिर इतनी इतनी इबादत क्यों। हमारे नबी ने फरमाया, अफला अकुना
हमदन शकूरा। ओ मेरी आयशा, मैं उस रब का शुक्रगुजार बंदा क्यों ना बन जाऊं जिसने मुझे यतीम से इमामुल अंबिया बना दिया। मुज़क्का नबी, मुसफ़ा नबी, मालिक कायनात की कसम, काबा भी इतना पाक नहीं, अल्लाह का अरश भी इतना पाक नहीं, जिब्रील अपनी मलकियत में इतना पाक नहीं जितना मोहम्मद अपनी नबुव्वत के अंदर पाक है। फिर भी इतनी इबादत, पांव मुबारक में वरम आ जाता था। सैकड़ों उम्मती ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ ईद की नमाज पढ़ते, सैकड़ों उम्मती मोहम्मदी का नारा लगाने वाले ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ जुमा जुमा मस्जिद में जाते। उम्मत को पहला सबक दिया, जवानी में इबादत कर, कबल इसके कि वो वक्त आएगा तुम्हारे आज़ा बुराई करने के भी काबिल नहीं रहेंगे। सर्दी के मौसम में फजर के लिए मस्जिद में जाना मुश्किल है, जॉब जाना आसान है, फ्लाइट पकड़ना आसान है, ट्रेन पकड़ना आसान है, नौकरी जाना आसान है, दुकान खोलना आसान है। सर्दी के मौसम में, बारिश के मौसम में मस्जिद जाना मुश्किल है। क्यों? ईमान कमजोर हो गया, शौक ताकतवर बन गया। ईमान तो पहले जमाने के लोगों का था। कल्ब अकलौता बेटा है, मां के साथ जा रहा है, एक जगह से गुजर रहे, शोर की आवाज कानों में आई। मां ने पूछा, बेटा ये शोर कैसा है? कहा, मां लगता है कोई जंग चल रही है। कहा, जा देख क्या। वह हबीब ने कल्ब आए, देखा मैदान करबला में यजीदी गुंडे गुलशन ने नबुव्वत को उजाड़ रहे, हुसैन के बच्चों को बेदर्दी से शहीद कर रहे। दौड़ा भगाया, कहा मां जुल्म हो गया, कहर टूट पड़ा। कहा क्या हुआ? कहा यजीदी गुंडे हुसैन के बच्चों को बेदर्दी से शहीद कर रहे। वो माँ का ईमान था। कहा मैंने तुझे हलाल का जना वुजू कर कर के दूध पिलाया, इतना बड़ा जुल्म देखकर तुझे मेरे पास आने की फुर्सत कहां से मिल गई? कहा अम्मा इरादा तो था उसी वक्त शरीक हो जाता, लेकिन यहाँ तू मेरे इंतजार में खड़ी रहती, ये भी तो गवारा नहीं था। दरअसल मैं तुझे बतलाने आया हूँ, इरादा वापसी का है। कहा फिर जा। आए खैमे में गए, हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु से इजाजत मांगी, खानदान नबुव्वत का सिपाही हूँ, आपका ताबेदार हूँ, शिरकत की इजाजत चाहता हूँ। कहा इजाजत है। नंगी तलवार लेकर गए, कई यजीदियों को वासिले जहन्नम किया। माँ वही खड़ी है, सारा मंजर देख रही है। फिर किसी यजीदी गुंडे को मौका मिला, मारी जोर से तलवार, गर्दन तन से जुदा हो गई। माँ की ममता से तारीख भरी पड़ी है। जब अपने अकलौते बेटे वहब इब्ने कल्ब का कटा हुआ सर देखा, पसीना ना आया, धड़न से जमीन पे न गिरी, हाथ उठाए, झोली फैलाई, कहा मौला मेरे बेटे की कुर्बानी कबूल फरमा। वो देख रहा है कि ये इसकी माँ है, तो मस्जिद तड़पाने के लिए वो कटा हुआ सर उठाया, माँ की झोली में डाल दिया। यूं उठाया, वापस मैदान में फेंक दिया। कहा अल्लाह के नाम पे देने के बाद वापस नहीं लिया करते। हमसे इबादत नहीं होती। अभी रमजान का महीना आएगा, सैकड़ों लोग तरावी नहीं पढ़ते, होटलों पे बैठे रहते, सारी रात बैठे रहते, सहरी के बाद सो जाएंगे, फिर असर के वक्त उठेंगे। कितने तो जोहर के बाद उठते, कितने असर के वक्त उठते, फखर से कहते रात को सोया था अभी उठा हूं। और एक बीमारी, सिर्फ तरावी में सूरह बकरा सुनेंगे, सूरह आले इमरान सुनेंगे, दो सूरतें सुनेंगे, पांच पारे सुनेंगे, बीच के 25 पारे वद्दुहा तक मस्जिद खाली। वही लोग होते हैं जो सालों से पढ़ते, जिनके दिलों में कुरान का प्यार है कि एक आयत भी कुरान की नहीं छूटनी चाहिए। वरना अक्सर नौजवानों को देखा जाता है शुरू के दो दिन तरावी पढ़ते, फिर 27 फाते हलीम खान, दो तीन आंसू बहाएंगे कि मौला माफ कर दे, पूरा महीना गुजर गया, गुस्ताखी हो गई, रमजान की बेअदबी की, गुस्ताखी माफ कर दे, आइंदा साल पाबंदी करूंगा। सालों से माफी मांग रहे,
इबादत कर करके बदन को थकाया करो, रातों को उठ उठ के आंखों को नींद से तरसाया करो। जो बदन आज इबादत के लिए थकेगा, कल कब्र में मीठी नींद सुला दिया जाएगा। जो आंखें आज अल्लाह की याद में नींद से तरसाई जाएंगी, कल इन्हीं आंखों से अल्लाह का दीदार कराया जाएगा। उम्र रसीदा हो गए, कमर कबीदा हो गए, हाथों पे राशा तारी हो गया, उठने बैठने में बड़ी तकलीफ हो रही है, शनवाई जवाब दे रही है, बीनाई जवाब दे रही है, गोयाई जवाब दे रही है, वॉशरूम भी जाना है तो बंदों का सहारा चाहिए, लड़का लड़की जवान हो जाए इसकी फिक्र मौजूद है, बिजली का बिल ज्यादा आ जाए इसकी फिक्र मौजूद है, बेटी का कराया हुआ रिश्ता कहीं टूट ना जाए इसकी फिक्र मौजूद है। अरे ओ मुसलमानों, कल कयामत वाले दिन अल्लाह और उसके रसूल के सामने हमारी पेशी होंगी, उसकी कोई फिक्र मौजूद नहीं। दो रोजा जिंदगानी है, जो करना है अभी कर ले, ये दुनिया आनी जानी है, जो करना है अभी कर ले, दो रोजा जिंदगानी है, जो करना है अभी कर ले, ये दुनिया आनी जानी है, जो करना है अभी कर ले, गया वक्त जो तेरे हाथ से फिर कभी माना, बहुत कम बाकी है, जो करना है अभी कर ले, जमाना बहुत कम बाकी है, जो करना है अभी कर ले। कहां के दोस्त और भाई, ये कैसी उल्फत दुनिया, ये सब आग घर पानी है, जो करना है अभी कर ले, ये सब आग घर पानी है, जो करना है अभी कर ले, ये डलती छाव है तेरा शबाब और तेरी खुशहाली, ये दो दिन की जवानी है, जो करना है अभी कर ले, ये दो दिन की जवानी है, जो करना है अभी कर ले। नौ दिल हिज्जा असर की नमाज के बाद आखिरी नबी पर आखिरी वही आई, मौत पे बयान करूंगा, हमारे नबी की जिंदगी के आखिरी वाकयात को बयान करके इजाजत चाहूंगा। नौ जिल हिज्जा असर की नमाज के बाद आखिरी नबी पर आखिरी वही आई, कौन सी आयत उतरी? अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने फरमाया, मेरे मोहम्मद, ये जो दीन इस्लाम है मैं इससे राजी हो गया, मैंने अपनी नियामतें तेरे ऊपर मुकम्मल कर दी। सारे सहाबा खुशी मना रहे, दीन मुकम्मल हो गया। अबू बकर सिद्दीक रो रहे, साहबा ने पूछा, अबू बकर दीन मुकम्मल हो गया, खुशी का मकाम है, आप रो रहे? कहा, फैक्ट्री का काम मुकम्मल हो जाए, मजदूरों को छुट्टी दे दी जाती है, मस्जिद बन जाए, मदरसा बन जाए, कारखाना बन जाए, मिल बन जाए, दुकान बन जाए, मकान बन जाए, मिस्त्री और मजदूरों को छुट्टी दे दी जाती है, मेरा अल्लाह इशारा फरमाता है, फरमा रहा है, मोहम्मद दीन मुकम्मल हो गया, तेरा दुनिया से जाने का वक्त भी करीब आ गया है। बीमारी का आगाज दर्द सर से शुरू हुआ, हज के बाद शोहदाए वहूद के लिए दुआ फरमाई, घर आकर उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, आयशा मेरे सर में दर्द हो रहा है। बहुत प्यार था, बहुत प्यार, प्यार से हुमेरा कहाँ करते थे, खुद निस्फ दीनुकुम मिन हुमेरा, आधा दिन हुमेरा से ले लो। अम्मी आयशा ने कहा, ये आपके सर में दर्द नहीं है, तो मेरे सर में दर्द है, हुजूर के दर्द को अपना दर्द बतलाया। आज तो घर वाली से जाके कहो सर में दर्द हो रहा है, गोली खा के कोने में पड़े रहो, मेरा दर्द मत बढ़ाओ। पचास निकाह होता है, 500 तलाक हो जाती, अब तो तलाक मजाक बना हुआ है। जब से इंटरनेट, मीडिया, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, इन सारी वेबसाइट ने जब तरक्की पकड़ी है, हजारों तलाक होती है,
इतना जीना, इतनी बदमाशी। अरे शादीशुदा के मुकाबले, गैर शादीशुदा के मुकाबले में शादीशुदा ज्यादा फंसे हुए। तीन तीन बच्चों का बाप, तीन तीन बच्चों की मां भाग जाती है। तुर्की में जलजला आया, हजारों लोग मलबों के नीचे दबके मर गए। कितने लोग मर गए। अल्लाह हमें भी झंझोड़ रहा है, यहां भी आ सकता है। मेरा रब कादिरुल मुतलक है। यूं नहीं है कि वो हमसे ज्यादा गुनहगार है। हमने भी तो कौन सा गुना छोड़ के रखा है। ब्याज लोन, ब्याज देखो फीसद पर पैसा कितने लोग देते। अरे गैर लोग 3% लेते, मुसलमान 30% लेता है। 2 दिन बाकी हो वसूली का, पहले से फोन कर देता है जुमेरात को लेने आऊंगा, और फोन उठा के सलाम तो दूर की बात, गाली से बात करता है। अक्सर मुसलमान ब्याज में फंसे हुए, 95% मुसलमान ब्याज में फंसे हुए। कितने गांव ऐसा है, पूरा का पूरा गांव ब्याज में, लोन में डूबा हुआ है। पूरी जिंदगी किश्तें भरते रहते। अरे लिया हुआ तो कब से खत्म हो गया। नहीं ये चैन से सोता है, नहीं इसकी बीवी चैन से सोती है। सारी जिंदगी किश्तें ही भरते रहते हैं, फिर भी पूछते कितना बाकी है। कहा 13 लाख। कितना लिया था? कहा 6 लाख। कितने साल हो गए? कहा 4 साल। बाप मर गया, बेटा कहता है मौलाना साहब ब्याज की रकम हो तो बताना। क्यों क्यों बाप का कर्जा उतारना है? भी जिम्मेदारी बेटे पे आती है। मत खाओ हराम, मत खाओ। अपने बच्चों को हराम का लुकमा मत खिलाओ। अबू साले बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। वो एक नहर के पास से गुजर रहे थे, पानी की दोष में एक तैरता हुआ सैप का दाना आया। इन्हें भूख लगी थी, इन्होंने खाया, आधा खाया, फिर इनका जमीर जागा, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। कल कयामत के दिन इसके मालिक ने मुझसे वो दाना मांगा, मैं कहां से लाऊंगा? उस वक्त तो कपड़े भी ना होंगे। तो जहां से पानी आ रहा था उस दिन चल दिए, चलते रहे। वहां आगे जाके इन्होंने एक देखा, एक बाग है और एक दरख्त जिसकी कुछ टहनियां नहर में झुकी हुई है। इन्होंने सोचा कि मैंने शायद इसी पेड़ का मैंने दाना चबाया है, क्योंकि यहाँ दूसरा कोई पेड़ तो है नहीं। अंदर गए, बाग के मालिक का नाम था अब्दुल्ला सौमाई। अंदर जाके कहा, मैंने आपकी इजाजत के बगैर आपके पेड़ का आधा दाना खाया है, माफी करवाने आया हूँ। कहा, वैसे माफी नहीं मिलती। कहा, क्या करना पड़ेगा? कहा, मेरे पेड़ को, सेब के दरख्त को पानी पिलाना पड़ेगा। कहा, कितनी मुद्दत? कहा, 12 साल। हाँ, फिर माफी मिल जाएंगी? कहा, मिल जाएंगी। 12 साल पेड़ के दरख्त को, उन्होंने सेब के पेड़ को पानी पिलाया। 12 साल खत्म होने के करीब आए तो अब्दुल्ला सौमाई के यहाँ मेहमान आए थे। कहा, अबू साले जाओ सेब तोड़ के लाओ। सारे कच्चे कच्चे तोड़ के ले आए। कहा, अबू साले 12 साल हो गए खिदमत करते करते, पानी पिलाते पिलाते, अभी तक सेबों की पहचान नहीं हुई, कौन सा कच्चा कौन सा पक्का, कौन सा अधकच्चा कौन सा अधपक्का होता है। कहा, खुदा की कसम एक जुर्म की सजा भुगत रहा था, आज 12 साल हो गए मैंने किसी सेब की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा। हमारे गांव के पास से गन्ने की ट्रॉली गुजर के तो देखे। माँ भी कहती है, पड़ोसन का बच्चा एक डंडा उठा के लाया, मेरा बेटा बड़ा होशियार है, 2-2 डंडे उठा के ले आया। जायदाद कहां ले जाओगे? आज किसी के लिए बैठे हुए, कल हमारे लिए लोग बैठेंगे। कभी कभी कब्रस्तान का चक्कर भी लगाया करो। कलफ लगे हुए कपड़ों पे चुटकी मिट्टी नहीं पड़ने देते थे, इनके कफन भी तार तार हो गए। एक ही कब्र में बादशाह को दफन करो, गरीब को दफन करो, 7 दिन के बाद कब्र खोल के देखो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा बादशाह कौन है, गरीब कौन है। कहा, आयशा मेरे सर में दर्द हो रहा है। कहा, ये आपका दर्द नहीं, ये तो मेरा दर्द है। आखिरी नमाज जो सहाबा को पढ़ाई वो मगरिब की नमाज थी।
والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا. سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی, مغرب کی نماز کے بعد حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے. جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا بلال حبشی نے اذان دی, صحابہ کشا کشا مسجد نبوی میں تشریف لا رہے, پوری مسجد صحابہ سے بھری ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا, ما يفعلون الناس, او میری عائشہ لوگ کیا کر رہے؟ کہو یا ایوہ المزمل کا لقب پانے والے, او یا ایوہ المدثر کا لقب پانے والے, او حسن و جمال کے پیکر, ہم ینتظرونک, صحابہ آپ کا انتظار کر رہے. کہا مجھے وضو کراؤ. وضو کرایا گیا, بدن میں اتنی حرارت تھی, اتنا شدید بخار تھا, اتنا شدید سر میں درد تھا, چلنے کی طاقت نہ تھی. فاغمی علیہ, گش کھا کر گر پڑے. پھر ہوش آیا, پھر پوچھا, ما یفعلون الناس, لوگ کیا کر رہے؟ کہاں ہم ینتظرونک, آپ کا انتظار کر رہے. کہاں وضو کراؤ. وضو کرایا گیا, دو چار قدم چلے, فاغمی علیہ, چلنے کی طاقت نہیں تھی. یہ امت کو سبق دیا, کتنا بھی مشکل وقت آ جائے نماز نہ چھوڑنا. اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا, ایو العمل احب الی اللہ, اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو کہاں, الصلاۃ علی وقتہا, وقت پر نماز پڑھنا. ہم جان بوجھ کے جماعت چھوڑ دیتے, رمضان میں اکثر مغرب کی جماعت چھوٹ جاتی ہے. جب تک پلیٹ پوری نہ ہو وہاں تک نہیں جانا ہے. اگر کسی نے فاسٹ اذان دے دی تو آ کے چلاتے, 7 منٹ لگاؤ, جب تک میرے سموسے پورے نہ ہو اذان نہیں پوری ہونی چاہیے. سائرن بجنے کے بعد 10 منٹ دی جاتی ہے, پھر بھی دو دو رکعتیں چلی جاتی ہے. ہمارے نبی کا حال دیکھو, بخاری شریف میں 9 9 بیویوں کے حجرے میں ہمارے نبی چکر لگاتے تھے, کسی ایک بیوی کے حجرے میں پانی کے علاوہ کھجور کا ایک دانہ بھی نہیں ملتا تھا. جس کے حجرے میں گئے, صفیہ, سودا, ام حبیبہ, جویریہ, میمونہ, عائشہ, ہر ایک, کیا کچھ کھانے کو ہے؟ کہا نہیں, صرف پانی ہے. امی عائشہ فرماتی ہے, 2 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. ہمارے دسترخوان پر تو اتنے سارے کھانے ہوتے, انتخاب مشکل ہو جائے, کون سا کھاؤں کون سا چھوڑوں. کھانا دین میں 3 مرتبہ, نماز ہفتے میں 1 دفعہ. کہاں وقت پر نماز پڑھنا. انشاءاللہ بولو, جماعت کی پابندی کریں گے, بولو انشاءاللہ. محمد ابن سماعہ بہت بڑے اللہ والے گزرے, 104 سال انہوں نے زندگی پائی, 104 سال. یہ محمد ابن حزبہ شیبانی کے شاگرد ہے. محمد ابن حزبہ شیبانی یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہے. محمد ابن سماعہ فرماتے, 40 سال میری زندگی کے ایسے گئے, تکبیر اولا بھی قضا نہیں ہوئی. ماں کا انتقال ہوا, مصروفیت چاروں طرف سے ایسی آئی کہ میری ایک نماز کی جماعت چلی گئی. تو میرے ذہن میں وہ حدیث آئی کہ جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز 27 دفعہ اکیلے پڑھنے سے بہتر ہے. تو میں نے سوچا, چلو اس نماز کو 27 دفعہ پڑھ لیتا ہوں, جماعت کا ثواب مل جائے گا. 27 دفعہ میں نے نماز پڑھی. جب نماز 27ویں دفعہ پڑھ کے فارغ ہوا, جا رہا تھا, حاطف سے آواز آئی, محمد ابن سماعہ تو نے نماز کو 27 دفعہ تو پڑھ لیا, لیکن جب امام ولزالین کہتا ہے اور فرشتے آمین کہتے, وہ آمین تو کہاں سے لائے گا؟ کہاں 27 دفعہ نہیں, 27 لاکھ دفعہ بھی پڑھ لوں لیکن جماعت کی فضیلت کو نہیں پہنچوں گا. پھر صحابہ نے پوچھا, وقت پر نماز پڑھنا پھر کون سا؟ ثم ایون, کہا بر الوالدین, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. علامہ طبرانی نے معجم میں لکھا ہے, ایک آدمی آیا, کہا میرا بیٹا اپنی چیزوں کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا. اس کے بیٹے کو بلایا, کہا بھائی تیرا باپ شکایت کر رہا ہے. تو کہا میرے باپ کو اس کا طریقہ استعمال معلوم نہیں, وہ میری چیزوں کو بگاڑ دیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, جب تو چھوٹا تھا تو اپنے باپ کی چیزوں کو بگاڑ دیتا تھا, تیرے باپ نے تو کبھی نہ کہا تھا کہ تیرا طریقہ استعمال ٹھیک نہیں ہے. پھر تاریخ زاز جملہ ارشاد فرمایا, انت و مالک لی ابی کا, تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے.
और चार किस्म के लोग ऐसे हैं जिनको जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती। उनमें एक वो बंदा है जिसने अपने माँ बाप की खिदमत की, मरा इस हाल में कि उसके माँ बाप उससे राजी थे। 200 वलियों की दुआओं में वो ताकत नहीं है जो ताकत बूढ़े माँ बाप की दुआओं में अल्लाह ने रखी है। इधर उधर चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, माँ बाप जिंदा है तो इन्हीं से दुआ कराओ। हमारे नबी कमीज के बटन खोल खोल के कहते थे मुझे यमन से यार की खुशबू आ रही है। साहबा फरमाते हैं लोग कहां कहां से आ गए, सोहेब रूम से आ गए, सलमान फारस से आ गए, बिलाल हबश से आ गए, और यमन तो इतना दूर नहीं, जिन्हें आप अपना यार कहते हैं वो आपको मिलने क्यों नहीं आया। हाँ उसकी बूढ़ी माँ बीमार है, ओवेस करने, उसकी बूढ़ी माँ बीमार है, सिर्फ माँ की खिदमत की वजह से वो मेरे पास ना आ सका। फिर कहा फारूक, फिर कहा अली, अगर तुम्हारी कहीं ओवेस से मुलाकात हो जाए ना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कराना। बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी माँ से कहा था, माँ अपना हक माफ कर दे, मैं अल्लाह को मनाता हूँ। कहा जामिया ने अपना हक माफ किया, जंगलों में चले गए, 12 साल रियाजत में इबादत में गुजारे। 12 साल, जब 12 साल खत्म हुए बुस्तान से करीब गुजर रहे थे बस्ती से, जब माँ की दहलीज देखी तो दिल में ये जज्बा अंगड़ाई लेने लगा, 12 साल हो गए माँ की जियारत नहीं की, चलो माँ से मुलाकात कर लेता हूँ। तो तहज्जुद का वक्त था, वो कुंडी खटखटाना चाहा लेकिन सोचा सारी जिंदगी माँ को सुख नहीं दिया, माँ की नींद क्यों खराब करूं, माँ को दुख भी क्यों दूं। थोड़ी देर के बाद अंदर से एक नाली आती थी वहां से पानी आया। बायज़िद बुस्तामी ने सोचा मेरी माँ तहज्जुद में उठ गई है और ये तहज्जुद का ये उसके वुजू का पानी है, मिश्कात शरीफ में जिसने तहज्जुद पाबंदी के साथ पड़ी मेरे नबी ने फरमाया उसका कोई हिसाब ना होगा, अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत देगा। अल्लाह मुझे और आपको तहज्जुद का पाबंद बनाए। हवाला दे रहा हूं, मिश्कात में ये हदीस है। फिर कुंडी खटखटाई, कौन सा बेटा कैसी दस्तक देता है वो मां भी जानती है। अंदर से कहा बेटा बायज़िद रुक में आ रही हूं। दरवाजा खोला, बायज़िद बुस्तामी का हाल देखा, कपड़े फटे हुए, बाल परागंदा, हालत मुतगैर है। तो माँ को बड़ा दुख हुआ, हाथ उठाए कहा मौला मेरा बेटा तेरे कुर्ब की तलाश में निकला हुआ था, इतने साल हो गए अभी तक तूने अपना कुर्ब नहीं दिया। बायज़िद बुस्तामी रोने लग गए, मैं कहां जंगलों में रब को ढूंढ रहा था, मेरा रब तो मेरी माँ की दुआओं में मौजूद है। सैकड़ों माँ बाप औलाद की नाफरमानियों से परेशान, इमाम मस्जिद से आके कहते हैं मेरे बेटे को समझाना और मेरा नाम मत लेना, मैं तुम्हारे पास आया था, वो वापस घर आके लड़ेगा। फिर पूछा तीसरा थुम्मा अय्युन, कहा जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, इंसान का सबसे बड़ा जिहाद नफ्स से लड़ना है, तलवार से भी ज्यादा इसकी फजीलत है। कभी कभी मसले अपने दिल से भी पूछ लिया करो, यहाँ बड़ा मुफ्ती बैठा हुआ है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, इसी से पूछो। हम नाम के मुसलमान है, काम के नहीं रहे। दौरे गर्दुम किसी ने गमखारी न की, दुश्मनों ने दुश्मनी की, यारों ने यारी न की, नहीं गम के दुश्मन है सारा जमाना, मगर अफसोस कि तुमने भी अपना न जाना। हमसे कुरान नहीं पढ़ा जाता, नमाज नहीं पढ़ी जाती, हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या घर के बच्चे पढ़ेंगे। मस्जिद वीरान है, मदारिस से दूर है, उलमा से दूर है, खानकाहों से दूर है, नमाजों से दूर है। बच्चा रोया मोबाइल, बच्ची रोई मोबाइल, घर घर में गाना बजता है, सूद चलता है, ब्याज चलता है, जिना चलता है। अगर माँ बाजार हो, इसका बच्चा रोए, पड़ोसन ने कह दिया फोन करके तेरा बेटा रो रहा है, कोई बात नहीं फ्रीज पे मोबाइल पड़ा है, लॉक का ये पिन नंबर है, यूट्यूब खोल के दे दो, बच्चा चुप हो जाएगा। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा मा यफअलुन नास,
लोग क्या कर रहे उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रदी अल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया सितारे चांद का इंतजार कर रहे, गुलाम आका का इंतजार कर रहे, मुरीद पीर का इंतजार कर रहे, शागिर्द उस्ताद का इंतजार कर रहे, शमा परवाने शमा का इंतजार कर रहे, सितारे चांद का इंतजार कर रहे, यानी सहाबा मोहम्मद का इंतजार कर रहे। कहा मुझे वुजू कराओ, वुजू कराया गया, चलने की बिल्कुल ताकत न थी, फौगमी अलैहि गश खाकर गिर पड़े। कहा ओ मेरी आयशा मुरु अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, आ जाओ अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। तो अम्मी आयशा ने कहा कई दिनों से मिंबर खाली है, मेहराब खाली, देखा मेरा अब्बा रकीकुल कल्ब कमजोर दिल वाला आदमी है, बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, ये हुक्मनामा किसी और के लिए जारी फरमाए। कहा आयशा जहां अबू बकर मौजूद हो मेरा अल्लाह पसंद ही नहीं करता कि कोई और दूसरा मुसल्ले पे खड़े होके नमाज पढ़ाए। 17 नमाजें पढ़ाई। फिर जब तबीयत ने थोड़ी कुछ फरहत महसूस हुई, कहा कमरे में कोई है? कहा अली है, अब्बास है। कहा इधर आओ, वुजू कराओ। वुजू कराया गया, दोनों साहबी के कंधों का सहारा लिया, पैरों के अंगूठे जमीन में घसीट रहे हैं, मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए। अबू बकर ने कनखियों से देखा मेरा पीर आ रहा है, मेरा मुर्शिद आ रहा है, पीछे की तरफ हटने लगे। कहा अबू बकर मैं तुझे हटाने के लिए नहीं आया, मैं तुझे जमाने के लिए आया हूँ, ये इमामत का मुसल्ला नहीं, ये तो खिलाफत का मुसल्ला है। इमामत सुगरा भी अबू बकर का हक है, इमामत कुबरा भी अबू बकर का हक है। नमाज पूरी हुई, मिंबर से टेक लगाकर बैठे और कुछ मोटी मोटी बातें आपने नसीहतन इरशाद फरमाई। साहबा से फरमाया अल्लाह ने अपने बंदों में से एक बंदे को इख्तियार दिया है, दुनिया में रहना है तेरी मर्जी, अल्लाह की मुलाकात करना है तेरी मर्जी, और अल्लाह के उस बंदे ने अल्लाह की मुलाकात को पसंद कर लिया है। सारे सहाबा सोच में पड़ गए, अबू बकर की चीखें निकल गई। पूछा अबू बकर तुम क्यों रो रहे हो? कहा ये बंदा कोई और नहीं, खुद सरकार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। अल्लाह ने हुजूर को इख्तियार दिया है, दुनिया में रहना है तुम्हारी मर्जी, मेरी मुलाकात करनी है तुम्हारी मर्जी। हुजूर ने अल्लाह की मुलाकात को पसंद फरमा लिया। साहबा फरमाते आलमुन्नास आकलुन्नास, हमसे सबसे बड़ा आलिम अगर समझदार कोई है तो वह आयशा का अब्बा अबू बकर है। हाँ जिन जिन के मेरे ऊपर जितने एहसान थे सारों के एहसानात का बदला दे चुका हूँ, सिवाय सिद्दीक अकबर की इनके एहसानात का बदला कल खुदा देगा। फिर फरमाया मेरे अंसार साहबा के साथ अच्छा सलूक करना, ये मेरे मेजबान है, ये मेरे मुहसिन है। फिर फरमाया कि जितने दरवाजे मस्जिद नबवी की तरफ खुलते हैं वो सारे दरवाजे बंद कर दो, सिवाय सिद्दीक अकबर का दरवाजा वो खुला रहना चाहिए। फिर फरमाया लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, अल्लाह ने लानती बना दिया यहूद और नसारा को, इन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदा गाह बनाया। सजदा सिर्फ किसे होता है? बोलो जोर से, बोलो जोर से अल्लाह। हमारा मुश्किल कुशा एक ही है, बोलो जोर से अल्लाह। हमारा हाजत रवा अल्लाह, बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह, रिस्क देने वाला अल्लाह, मौत जिंदगी का फैसला करने वाला अल्लाह। सारी दुनिया के लोग मिलकर एक आदमी मारना चाहे मेरा अल्लाह नहीं चाहता, कोई भी इसको नहीं मार सकता। सारी दुनिया के लोग एक आदमी को बचाना चाहे मेरा अल्लाह नहीं चाहता, कोई इसे नहीं बचा सकता। मौत जिंदगी रिस्क मेरी तुम्हारी तरक्की इज्जत जिल्लत बादशाहत गरीबी फकीरी सारा का सारा अल्लाह के कब्जे कुदरत में। लानती बना दिया, इन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बनाया। अरे सहाबी आए थे कैस और आकर कहने लगे मैं फुला इलाके से आया हूं, मैंने वहां के लोगों को देखा है अपने अपने बादशाह को सजदा कर रहे, आप तो इमामुल अंबिया है, अल्लाह ने आपको सारी कायनात का सरदार बनाया, इजाजत दो हम भी आपको सजदा किया करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया में अल्लाह को छोड़कर अगर किसी को सजदा जायज होता, तिर्मिजी में है, तो औरत को हुक्म मिलता कि वो अपने खाविन को सजदा करे। अब तो उल्टा ये सजदा करवा रही है। अल्फा होटल पे चाय पीना जाना हो तब भी इजाजत लेनी पड़ती है। हम यूं नहीं कहते कि जुलम करो, मिश्कात में है अल्लाह के नबी ने फरमाया जो घर और तो जिस घर में औरत को अमीर बना दिया जाए वो घर फितने की लपेट में जल्दी आता है। यूं ही नहीं कहे ना किस्सा तो लग, तलाक का इख्तियार मर्दों को क्यों दिया?
या अकल की नाकिस है। अगर इनको इख्तियार दिया जाता हर घर 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 में इद्दत बैठी इद्दत में लोग बैठे रहते। खामी नहीं बयान करता, इनकी खूबियां भी तो बहुत है। बाप का घर छोड़ के आई, तुम्हारे बाद सोती है, तुमसे पहले उठती है। अगर कहीं जाना हो ना सफर में, बच्चा भी इसने उठाया है। घर आते हैं कहते खाविंद कहता है चल पानी पीला, दौड़ती जाती है पानी लेके आती। कह सकती थी फितरत में तबीयत में मैं तुझसे नाजुक हूं, धूप मुझे भी लगी है, मैं भी तो इंसान हूं, मैंने भी बच्चा उठाया था, प्यास मुझे भी लगी है, पानी तुझे मुझे पिलाना चाहे मुझसे मांग रहा है। एक शिकायत का लफ्ज होठों पे नहीं लाती, जाती है दौड़ी भागी पानी लाती पानी, फिर कहता है चल रोटी पका। कह सकती है मैं भी थकी हुई हूँ, होटल से मंगवा लो। तन्नूर के सामने बैठती है, आग बर्दाश्त करती है, धुआं बर्दाश्त करती है, रोटी पकाती, फिर रोटी पेश करती, फिर रोटी भी खाता है, फिर कहता है चल मेरी टांगे दबा। ये टांगे भी दबाती है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया मिश्कात शरीफ में मौजूद है, अगर इसकी कुछ खामियां तुम्हें परेशान करे तो उसकी कुछ अच्छाइयां भी ढूंढो। मक्खी की तरह नहीं, सिर्फ जख्म ही पे बैठना है। हमारे घरों में इसीलिए तो झगड़े होते, हमारे बात अपनी मनवाते, या तो ये वो ये, या तो कुसूर इनका होता है, ये हर बात अपनी मनवाती है। थोड़ा उनका मानो थोड़ा अपना मनवाओ, इंशाल्लाह जिंदगी में कभी तलाक की नौबत नहीं आएगी। لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا। अल्लाह ने लानती बना दिया यहूद और नसारा को, इन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदा का बनाया। जनाजा तेरे सामने अताउल्लाह शाह बुखारी का क्यों ना हो, जनाजा तेरे सामने अली हजवेरी का क्यों ना हो, जनाजा तेरे सामने पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का क्यों ना हो, जनाजा तुम्हारे सामने बाबा फरीद गंजशगर का क्यों ना हो, जनाजा तुम्हारे सामने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारे का क्यों ना हो। जनाजे की नमाज में रुकू नहीं सजदा नहीं, मेरा अल्लाह बतलाना चाहता है। जनाजा कभी किसी पीर का भी क्यों ना हो, सजदा पीर को नहीं होता, सजदा रब्बुल आलमीन को होता है। फिर कहा इलाहुल आलमीन अल्लाहुम्मा ला तजाल कबरी असनाम, मेरे बाद मेरी कबर को सजदा गाना बनने देना। मदीना अल्लाह मुझे और आपको रोजे की ज्यारत नसीब फरमाए। बोलो जोर से आमीन। थोड़ा भी झुक के दिखाओ पीछे से डंडा पड़ेगा। मेरी तुम्हारी दुकान का पहरा देने वाला चौकीदार, मील का पहरा देने वाला चौकीदार, कारखाने का पहरा देने वाला चौकीदार, मेरे तुम्हारे मकान का पहरा देने वाला पठान, नबी के रोजे का पहरा देने वाला रहमान, नूरुद्दीन जंगी का किस्सा तो सुना होगा। आए थे ना वो दो काफिर, सुरंग भी लगा दी थी, कहां तक खोद के लिया था, अल्लाह के नबी ने ख्वाब में आके बतलाया था कयामत आएंगी, रोजा फटेगा, कब्र से सबसे पहले हमारे नबी उठेंगे, दाएं तरफ अबू बकर होंगे, बाएं तरफ उमर होंगे। कयामत करीब आएंगी, जितनी मस्जिद सजदे की जगह है वो सारी मस्जिदें उठा ली जाएंगी, काबा उठा लिया जाएगा, कुरान उठा लिया जाएगा। जिन जिन चीजों का आज हम एहतराम नहीं करते, मेरा रब एहतराम करके बताएगा। कुरान को हमारी क्या फिक्र है, जबरदस्ती हमारे दिमागों में घुसेगा। 6666 आयतें हमारे तुम्हारे दरवाजों पे धक्के खाती फिरती है, कौन कुरान पढ़ता है। बरसों से तकरीरें सुनते, बरसों से बयानात सुनते, इंटरनेट का जमाना, हजारों तकरीरें मिल जाएंगी। आज भी पानी वहीं गिर रहा है जहां पहले गिर रहा था। तकरीर खत्म होगी, दो चार बंदे इकट्ठे हो गए, कहेंगे यार मौलाना ने अच्छा अच्छा बयान किया। अरे मुसलमानों हर मालिम अच्छा बयान करता है, नियत ये करो कि इंशाल्लाह हमें अपनी जिंदगी को सुधारना है, नमाजी बनना है, कुरान का घरों में सिस्टम चलाओ, बच्चियों के हाथों में कुरान दो, तुम्हारा जनाजा उठाने के लिए, तुम्हारा चेहरा देखने के लिए तुम्हारी बेटी आए, सूरह रहमान पढ़ती हुई आए,
तुम्हारा बेटा तुम्हारा जनाजा उठाए, सूरह यासीन पढ़ता हुआ उठाए, झाड़ू भी दे रही है, गाना बज रहा है, झाड़ू दे रही है, फिल्म चल रहा है, सीरियलें चल रही है, 7:30 बजे का वक्त हो, 7:15 बजे पूरा कमरा भर जाता है। अगर किसी एपिसोड कोई एपिसोड मिस हो जाए तो यूं चेहरा बिगाड़ दिया जैसे किसी ने किडनी चुरा ली हो। जलजले नहीं आएंगे तो फिर और क्या आएगा? तुर्की में जलजला आया, हमारे माथे में जूं तक नहीं रेंगती। अरे होता रहे, बहुत दूर है तुर्की, यहाँ कहाँ करीब है। इतना बुरा हाल है, पड़ोसी के घर में अजाब आए ना फिर भी कहेंगे बीच में दीवार है, हमारे घर में कुछ नहीं हुआ। जब वाज खत्म हुआ, हुजरे के अंदर तशरीफ ले गए, पर्दा हटाया, साहबा की तरफ देखा, साहबा फरमाते हैं आखिरी दीदार था, कहा फातिमा को बुलाओ, फातिमा को बुलाया गया। सही हदीस में जब फातिमा आती आप पेशानी चूमते, अपनी मसनत पर बिठाते, फातिमा से कहा मेरी तरफ कान करो, जब कान किया कुछ कहा रोने लग गई, कहा दूसरा कान मेरी तरफ करो, कुछ कहा हंसने लग गई। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका तय्यिबा ताहिरा रजी अल्लाह तआला ने पूछा पहले तुम रोई फिर हंसी, क्या बात है? कहा पहले हुजूर ने फरमाया मेरा दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है, मुझे रोना आ गया, नबी की जुदाई पे क्यों ना रोएंगी। कहा फिर कहा गम ना कर, अहले बैत में से सबसे पहले तू ही मुझे आकर मिलेंगी। फिर मुझे हंसी आ गई। हुजूर की वफात के 6 या 8 महीने के बाद फातिमतु ज़हरा रजी अल्लाह तआला ने भी दुनिया से रुखसत हो गई। फिर वो वक्त आया जिससे कोई नहीं बच सकता, मौत। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का निशा, खून का घाड़ा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आके टकराएंगी ये मिट्टी की इमारत, फिर मिट्टी में मिल जाएंगी। बाहर है दुनिया चंद रोजा, न चल यहाँ सर उठा उठा कर, खुदा ने करोड़ों नक्शे मिटा दिए है बना बना कर। जब तू दुनिया से जाएगा कुछ साथ न तेरे होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा कुल लिबास होगा। इसी को शायर कहता है कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने, धारा सिकंदर जैसे पछाड़े मौत ने, कब्रों में कितनों को घाड़ दिया मौत ने, आने वाली किससे टाली जाएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, एक दिन तुझ पे खाक डाली जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा, आज दूसरों के जनाजे उठाते, एक दिन हमारा भी जनाजा उठाया जाएगा, ऐसी चादर डालेंगे जिसे हम उठा ना सकेंगे सजदों की जगह। एक दिन ऐसा आएगा हमें भी काफूर मला जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा आज लोगों के ऐलान सुनते फुलाना मर गया फुलानी मर गई, एक वक्त आएगा मुसलमानों हमारा भी ऐलान होगा फुलाना मर गया वो फुलाने हम होंगे। ऐसे ना जियो रोते हुए आए थे रोते हुए जाए, अल्लाह की कसम ऐसी खूबसूरत जिंदगी गुजार के मरो सारी दुनिया रोती रह जाए, तुम खूबसूरत हंसते हुए बाबे रैयान से जन्नत में दाखिल हो जाओ। और इतना शदीद बुखार था, इतना साहबा फरमाते बाहर तक हरारत महसूस करते थे। हमारे बच्चे को शदीद बुखार होता है तो हम कहते हैं यार हाथ लगा दे हाथ जल जाए, इतना बुखार है। और अल्लाह के नबी की जुबान पर है ला इलाहा इल्लल्लाह इन्न लिल मौत सकरात अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन करबिल मौत। या अल्लाह तेरे सिवा मददगार कोई नहीं, तेरे सिवा माबूद कोई नहीं, सकराते मौत से तेरी पनाह मांगता हूँ, मौत की सख्ती से तेरी पनाह मांगता हूँ। अरे उलमा ने लिखा है 300 तलवारों का जख्म उससे ज्यादा तकलीफ सकराते मौत की है, पूरा बदन लोहे की कैंची से काट दिया जाए उससे कहीं गुना ज्यादा तकलीफ सकराते मौत की है। 40 साल के बाद यूसुफ अलैहि सलाम से मुलाकात हुई थी याकूब अलैहि सलाम की, 40 साल के बाद यूसुफ अलैहि सलाम ने कहा ना भाइयों ने पूछा था आप यूसुफ है, कहा हाँ वहाद आखी ये मेरा भाई बिन्यामीन है, कहा अब्बा का रो रो के बुरा हाल हो गया, आंखों का नूर भी चला गया, कुर्ता निकाला कहा जाओ अब्बा की आंखों से लगा देना नूर वापस आ जाएगा। तो वो भाई कहने लगा मैंने झूठा खून दिखा कि अब्बा का दिल नाराज किया था,
मुझे ये खिदमत दे दो, सच्चा कुर्ता दिखा के अब्बा का दिल राजी करना चाहता हूँ। कहा ले जाओ। वो आए, याकूब अलैहि सलाम को कुर्ता दिया, कहा भाई यूसुफ जिंदा, इनका कुर्ता है, आंखों से लगाओ। लगाए, आंखों का नूर वापस आ गया। याकूब अलैहि सलाम सो कहने लगे, इतनी बड़ी खुशखबरी लाया है, इतनी अच्छी खबर लाया, वो तो मेरा चहीता बेटा है, मेरा लखते जिगर है, मेरा नूर नजर है, 40 साल हो गए मैंने जुदाई में रो रो के, आंखों का नूर मेरा खत्म हो गया था, तूने कुर्ता दिया, कुर्ता लगाया, आंखों का नूर वापस आ गया, तुझे भी महरूम नहीं करता, तुझे भी कुछ दूंगा। लेकिन दू क्या, 8 दिन हो गए याकूब के घर में चूल्हा नहीं जला, लेकिन मैं तुझे महरूम भी नहीं। कहा अब्बा फिर क्या देंगे? कहा जा, मैं तुझे दुआ देता हूं, या अल्लाह मेरे इस बेटे पे सकराते मौत को आसान बना देना, कि लड़कों को तोहफा दो ना, आईफोन दो, उससे अच्छा है कि ये दुआ दो, अल्लाह तेरे पे सकराते मौत को आसान बना दे। किसी ने कुंडा खटखटा, कहा कौन? कहा जिब्राइल। दरवाजा खोला गया, कहा इजराइल भी आए। सुनो तवज्जो से, कितने बड़े मोहसिन थे हमारे नबी। कहाँ है? कहाँ? बाबे जिब्रील पे खड़े। कहाँ? अंदर बुलाओ। अंदर बुलाया गया, कहाँ? सलाम अलैकुम, आपका मकाम है, मैंने आज तक कभी किसी को सलाम नहीं किया, आपको सलाम करता हूँ। अल्लाह ने कहा है, इजाजत मांगे बगैर मत जाना, इजाजत लेकर जाना, आना चाहे तो ले आना, ना आना चाहे तो वहीं छोड़ के आ जाना। कहाँ? इजराइल, तू लोगों की रूह निकालता है, कैसे निकालता है? कहा कभी पिंडली पे रोक लेता हूँ, कभी घुटनों पे, कभी रांग पे, कभी पेट पे, कभी छाती पे रोक लेता हूँ, रोक रोक के खींचता हूँ ताकि तकलीफ ज्यादा हो। कहा बैठ जा, चल आज सौदा कर ले। कहा कैसा सौदा? कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया, इजराइल बैठ सौदा करते हैं। कहा कैसा सौदा? कहा कयामत तक मेरे जितने उम्मती आएंगे, उन सारे उम्मतियों को मौत के वक्त तुझे जितनी तकलीफ देनी है, वो सारी तकलीफें इकट्ठी कर वजूद मुस्तफा पे आज खत्म कर दे, वो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरे किसी उम्मती को मौत के वक्त कोई तकलीफ हो वो बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये उम्मत ब्याज पे पैसे उठाने वाली, ये उम्मत सट्टा खेलने वाली, ये उम्मत दो दो तीन तीन बजे तक होटलों पे बैठकर अजनबी लड़कियों से चैटिंग करने वाली, ये उम्मत अजनबी, ये उम्मत लोगों की माओ बहनों को वहशी नजरों से देखने वाली, ये उम्मत शराब पीने वाली, कारोबार में धोखा देने वाली, बात बात में झूठ बोलने वाली, माँ बाप का घरेबान चाक करने वाली। हमारे नबी ने तो इतना बड़ा एहसान फरमाया, सारी तकलीफ बर्दाश्त कर लूंगा वजूद मुस्तफा के खत्म कर दे, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं कि मेरे किसी उम्मती को मौत के वक्त कोई तकलीफ हो। आखिरी मौके पर कहा, अस्सला अस्सला वमा मलकत अईमानुक, नमाज न छोड़ना, मातहतों के साथ अच्छा सलूक करना। और जो आखिरी लफ्ज था, ये बोलते बोलते अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए। अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा की गोद में हमारे नबी का रहमत वाला सर रूह परवास कर गई। अम्मी आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा रोती रोती कहने लगी, ओ मदीना वालों, कुरान के लिए मार खाने वाला मोहम्मद चला गया, ओ मदीना वालों, हातिमताई की बेटी के नंगे सर के ऊपर मुजम्मिल की चादर डालने वाला मोहम्मद चला गया, अरे ओ मदीना वालों, उहुद की जंग में मोतियों से भी ज्यादा सफेदा शहीद कराने वाला मोहम्मद चला गया, अरे ओ मदीना वालों, हलीमा सादिया के कदमों में चादर बिछाने वाला मोहम्मद चला गया, अरे ओ मदीना वालों, यतीमों को कांधों पे बिठाकर ईदगाह पहुंचाने वाला मोहम्मद चला गया। मदीने में कोहराम बरपा हो गया, सहाबा में जलजला बरपा हो गया, सहाबा फरमाने लगे, हमारे नबी मदीने में आए थे, हर चीज रोशन हो गई थी, हमारे नबी दुनिया से गए, अज़लम मिन्हा शई, हर चीज तारीख हो गई। आयशा रो रही है, उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नंगी तलवार निकाली, अगर किसी ने कहा मोहम्मद दुनिया से चला गया, उसका सर तन से जुदा कर दूंगा, आयशा रो रही है, फातिमा रो रही है, अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रो रही है, फातिमा रोती रोती कहने लगी, ओ मदीने वालों, मेरे अब्बा की जुदाई का मेरे ऊपर इतना सदमा हुआ, अगर ये सदमा पहाड़ों पे डाल दिया जाए, पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए, मेरे अब्बा की जुदाई का मेरे ऊपर इतना सदमा हुआ, अगर ये सदमा सूरज को दे दिया जाए, सूरज की रोशनी भी मांद पड़ जाए, सारे मदीने वाले रो रहे, सहाबा रो रहे, बिलाले हबशी की क्या दास्तान सुनाओ, कभी मस्जिद के अंदर, कभी मस्जिद के बाहर, कभी मेहराब के अंदर, कभी मिंबर के पास,
से। बिलाल हबशी रोते रोते कहने लगे, ओ मिंबर तेरे अंदर खड़ा होकर तेरे ऊपर खुतबा देने वाला मोहम्मद कहाँ चला गया, ओ मेहराब तेरे अंदर खड़ा होकर कुरान पढ़ने वाला मोहम्मद कहाँ चला गया, ओ अम्मी आयशा सैयदना बिलाल कहकर काबा की छत पे चढ़वा कर अजान दिलवाने वाला मोहम्मद कहाँ चला गया। और फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने कहा, वो तो यूं गए जैसे कोहे तूर पे मूसा जाया करते थे, अगर किसी ने कहा ना कि मोहम्मद दुनिया से चले गए तो उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। इस ऐसे मुश्किल तरीन हालात में अगर उम्मत की ईमान को संभाला तो वो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला की जात थी। मिंबर पर चढ़े, खुतबा दिया, और वो खुतबा ऐसा खुतबा दिया डूबती हुई कश्तियों को किनारा मिला, अरे खोए हुए हवास वापस आ गए, खोई हुई अकलों को करार मिल गया, बेचैन दिलों को सुकून मिल गया। وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ। हाँ, जो मोहम्मद की इबादत करता था, मोहम्मद दुनिया से चले गए, जो अल्लाह की इबादत करता था, मेरा अल्लाह जिंदा है, हमेशा कायम रहने वाला है। खोए हुए अकलों को करार मिला, बेचैन दिलों को सुकून मिला, डूबती हुई कश्तियों को किनारा मिला। विरासत में मैं मर जाऊं आप मर जाए कुछ ना कुछ तकसीम होता है, जायदाद चलती है, गोल्ड चलता है, चांदी चलती है, दुकान मकान प्लॉट जमीन जायदाद सब कुछ तकसीम होता है। हमारे नबी गए, विरासत में क्या मिला? हजरत तलहा के हिस्से में बाल आए, हजरत अनस के हिस्से में जुत्ती मुबारक आई, हजरत अली के हिस्से में तलवार आई, आयशा सिद्दीका के हिस्से में कपड़ा आया, मेहर नबुव्वत सिद्दीक अकबर के हिस्से में आई। मेरे हिस्से में क्या आया, आपके हिस्से में क्या आया? अरश से भी ज्यादा कीमती तोहफा अल्लाह के नबी ने हमें विरासत में दिया, वो था अल्लाह का कुरान। बाप की जायदाद की बड़ी फिक्र होती है, वकील भाग ना जाए, जल्दी बुलाओ, दस्तखत हो जाए, दुकान मेरे नाम हो जाए, कुरान यूं ही ताकचों में पड़ा हुआ है, इस तरके की कोई फिक्र नहीं। ताको में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, जुजदान हरीर रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ, जब काल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। सिर्फ कसम के लिए कुरान रह गया, मैयत के लिए, शिफा के लिए, नजर नियाज के लिए, दुकान मकान की इफ्तिताह के लिए, उद्घाटन के लिए रह गया। दादा की रूह नहीं निकलती, कहा इमाम साहब को बुलाओ, सूरह यासीन पढ़ के फूंक मारे, रूह निकल जाए। अरे रूह निकल जाएंगी आसानी के साथ, तेरा दादा रुखसत हो जाएगा। लेकिन अल्लामा इकबाल ने कहा, कुरान से सीखा तो भी मरना सीखा, काश कुरान से जीना भी सीख लिया होता। कुरान जिंदगी, अर रमजान वाल कुरान यशफान इला यौमिल मीजान, कुरान और रमजान को सिफारिशी बनाओ, वबाल न बनाओ। एक एक लम्हे की कदर करना, अरे हजारों लोग गुज़िश्ता रमजान में जिंदा थे, कब्रों में चले गए, और आज भी नहीं पता हम रमजान तक पहुंचेंगे भी कि नहीं। मौत तो अपने वक्त में अपना मनवा ही लेती है। पांच चीजों का इलम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं। पारा नंबर 21, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअ व युनज्जिलुल गैथ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुन मादा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुन बि अय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। अल्लाह फरमाता है कयामत कब आएंगी कोई नहीं जानता, निशानियां बतलाई हमारे नबी। माँ के पेट में क्या है डॉक्टर बतलाता है, और बनने के बाद कहता है क्या बनना है वो सिर्फ अल्लाह जानता है। बारिश कब कहाँ कितनी बरसेंगी अल्लाह जानता है। कल तुम क्या कमाओगे तुम भी नहीं जानते अल्लाह जानता है। कल किस सर जमीन पर तुम्हारी मौत आएंगी तुम भी नहीं जानते अल्लाह जानता है।
यूके के लिए कितने लोग वीजा लगाते, एयरपोर्ट पे लंदन तो पहुंचना दूर की बात, बंबई एयरपोर्ट पे मर जाते। सारी जिंदगी दौड़ भाग की, इधर जाना है उधर जाना है इधर जाना है, कहीं नहीं पहुंच सके, यहीं मर गए। मेरा तुम्हारा मुकद्दर तो मेरे रब ने लिखा है, कब तुम्हें मरना है मेरे को मरना है अल्लाह ही जानता है। ये और बात, हम मौत को पसंद नहीं कर सके। एक आदमी का कुत्ता मर गया, बहुत रो रहा है, पड़ोसी ने कहा कुत्ता ही मरा है, मंडी लगती है, कुत्ता खरीद लेना, रोने की क्या जरूरत है। कहा रोता है इस वजह से नहीं, कुत्ता मर गया, इस वजह से रोता हूं, मौत के फरिश्ते ने मेरा घर देख लिया। तो मौत तो किसी को पसंद नहीं है, लेकिन आनी है। एक गांव में एक आदमी मर गया, बड़ा नेक आदमी था, बड़ा आदमी था। बड़ी रात थी, गांव वालों ने सोचा चलो आज बड़ी रात है, आज ही दफना देते, हो सकता है इसी रात की बरकत से बख्शिश हो जाए। बहुत सख्त सर्दी का मौसम था, दफना के आया देखा मौजिन साहब ने चारों तरफ से मस्जिद बंद कर दी है, वो जनाजे की चार पाई वही छोड़ के गांव वाले चले गए। तो मौजिन साहब सुबह में उठे और दरमियान में मेरे जैसा दुबला पतला एक चंदे वाला सफीर आया था, इसने देखा मस्जिद चारों तरफ से बंद है, ठंडी भी बहुत है, अब क्या करूं, तो वही चारपाई के अंदर लेट गया। सुबह मुअज्जिन साहब आए, इन्होंने देखा जनाजे की चारपाई बाहर रखी, ये जनाजे की चारपाई से भी डर बहुत लगता है। एक आदमी दूर वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था, करीब वाली छोड़ के, अरे यार यहाँ छोड़ के वहां जाता है, कहा मेरी मजबूरी है। कहा क्यों, कहा तुम्हारे इमाम साहब ने मेहराब के ऊपर जनाजा लटका के रखा है, मैं देखता हूँ मेरी रूह निकल जाती है, जनाजा देख के डर लगता है, ब्याज खाते सूद खाते डर नहीं लगता, जनाजा देख के डर लगता है, आधी आधी रात तक लोगों की इज्जतों को बर्बाद करते डर नहीं लगता। किसी पे तोहमत लगानी हो कोई परवाह नहीं, किसी पे इल्जाम लगाना हो कोई परवाह नहीं, किसी की गीबत चुगली करनी हो माशाल्लाह वुजू करके मस्जिद में बैठ के करेंगे, फुलाने का लड़का ऐसा है फुलाने की लड़की, 35 साल हो गए जिसके साथ रहते रहते, अगर उसका बाप ने अपनी बेटी का रिश्ता करवाया है तो सबसे पहले ये कहता है मेरे पड़ोसी को पता नहीं चलना चाहिए। कहा क्यों, कहा अगर मेरे पड़ोसी को पता चलेगा ना वो पीन मरवा के रिश्ता तोड़वा देगा। कितने साल से रह रहा है, कहा 35 साल से। अरे कैसा 35 साल हो गए वो पड़ोसी अपनी बेटी का रिश्ता करा, पड़ोसी से डर रहा है, इतना सफाक बेदर्द मुआश। किसी की लड़की कैनेडा चली जाए, किसी का लड़का यूके चला जाए, हम जल कर खाक हो जाते। किसी की बेटी का रिश्ता फॉरेन में हो जाए, बहुत कोशिश करते कि ये बेटी फॉरेन ना जाए, इसका रिश्ता किसी ना किसी तरह तुड़वा दूं। मां के पेट में मेवरा 120 दिन कहते, अल्लाह ने हमारा मुकद्दर लिख दिया है, लाख कोशिश करो ना अपना मुकद्दर बदल सकते ना किसी का बिगाड़ सकते। किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूं, उमूमी बात है, ये माशरे का मर्ज है, बीमारी है, किसी का अच्छा देखा नहीं जाता। आदमी मुसलमान किसी के दुख से इतना दुखी नहीं, खुद के दुख से इतना दुखी नहीं, दूसरे के सुख से इतना दुखी है। मैं दुखी हूं कोई बात नहीं, वो सामने वाला सुखी नहीं होना चाहिए। मुअज्जिन साहब आए, गांव वाले भी बड़े अजीब है, उठा देते रात को, ताला खोल देता, अंदर ही रख देते, ये बाहर रखने की क्या जरूरत थी। वो अंदर तो लेटा हुआ है, वो सो रहा है दुबला पतला है। मुअज्जिन साहब ने 2-3 आदमियों को बुलाया, वो बाहर वाले भी सारे नींद में है, उठाया ना बाहर वाले, अंदर वाले को पता है मुझे कोई उठा रहा है, ना बाहर वाले को पता है अंदर कोई सो रहा है, उठा के लटका दिया मेहराब के ऊपर। फजर की नमाज के लिए हमारे कारी साहब आए, वत्तीन वज़ैतून वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन, पढ़ते रहे, एक आयत रह गई, वो लेटा लेटा कह रहे मौलाना एक आयत छूट गई। फिर जो मस्जिद का हाल बना, कितने बगैर जूतों के भाग गए, कितने खिड़कियों से कूद गए, इमाम साहब वहीं बेहोश, मुअज्जिन साहब का तो आज तक पता ही नहीं चला। इतने डरते, अरे कोविड में नहीं देखा, कब बाप को कोरोना पॉजिटिव है तो बेटा बाप के कमरे में नहीं आता, यूं ही दूर से प्लेट छोड़ देता था। मुलाकात करनी हो का भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरे को हाथ मत लगा, क्यों, कहा कोविड पॉजिटिव। इतना डरते, इतनी दहशत, जनाजे में नहीं आते थे। कितने जनाजे ऐसे गए, 12-15 आदमी भी नहीं थे जनाजे में। मुझे वो हदीस याद आई, अल्लाह के नबी ने कहा कि जिसके जनाजे में 40 आदमी हो, जिसके जनाजे में 40 या 400, दो पता नहीं को, 40 या 400 मेरे से अगर भूल हुई हो तो माजरत, मुझे माफ करे अल्लाह, 40 या 400, हदीस अबू दाऊद शरीफ में है,
तो मैं सोच रहा था कि ऐसा कौन सा मौका होगा कि इतने कम लोग भी जनाजे में नहीं होंगे। तो मैंने कोविड में देख लिया कितने जनाजे ऐसे 10-12 आदमी भी नहीं हुए। बड़े बड़े लोग ऐसे गुजर गए दुनिया से कि जिनके जनाजे में 5-6 आदमी भी नहीं थे। ऐसा रब ने हिलाया था पूरी दुनिया को, हल्के से वायरस ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। अरे मेरा अल्लाह, अरे वो अल्लाह ताकत नहीं रखता दूसरी मरतबा वो वायरस भेज दे। हमने तो कोरोना वायरस को मजाक बनाया था, लतीफे बनाते थे। तो अल्लाह का अजाब था मुसलमानों, और कभी कभी किसी के पास मौत का फरिश्ता आता है ना तो उसको दिखता है, दूसरों को नहीं दिखता, उसको दिखता है। एक आदमी के पास मौत का फरिश्ता इंसान की शक्ल में, क्या नाम है, कहा सुलेमान, तुम कौन, कहा इज़राइल, कहा इज़राइल, कहा मौत का फरिश्ता हूं तेरी रूह निकालने आया हूं, कहा अभी थोड़ा मौका दे दो, दोनों बच्चों को डॉक्टर बनाना है, बेटी को रुखसत करना है, ये सब फारिग हो जाएंगे ना फिर मैं आऊंगा आपके साथ चलूंगा। हाँ ठीक है चल मोहलत दे देता हूँ। दोनों बच्चे डॉक्टर बन गए, वो बेटी रुखसत भी हो गई, कई साल गुजर गए, वही पुरानी लज्जत, झूले पे बैठा हुआ है, झूला झूल रहा है, पान चबा रहा है, कुंडा खटखटाया, कहा कौन, कहा सुलेमान, आप कहा इज़राइल, उसको वो दीन याद आया, क्या हुआ तेरे बेटे डॉक्टर बन गए, कहा वो तो बन गए, बेटी कहा वो भी रुखसत हो गई, चलो चलेंगे, थोड़ा कुछ मौका कहा अब नहीं मिलेगा। इसे दिख रहा है, इसकी घरवाली को नहीं दिख रहा, ये फरिश्ता पांव के पास आया रूह निकालने तो इस तरह घूम जाता है, सर के पास आया तो इस तरह घूम जाता है, झूले पे गोर गोर गुलाटी मार रहा है। तो इसकी बीवी ने देखा इसको मिर्गी खेच आ रही है, मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, उसने फोन घुमाया, दोनों बेटे डॉक्टर को बुलाया, जल्दी आओ अब्बा को खेच आई है। दोनों डॉक्टर आए, एक ने टांगे पकड़ी, एक ने हाथ पकड़ी, आसानी से रूह निकाल दी। तो इनके लिए मोहलत मांग रहा था, ये खुद तेरी जान के दुश्मन बने हुए। अल्लाह को राजी करो मुसलमानों, अल्लाह मुझे और आपको मौत से पहले पहले उसकी मर्जियात वाले अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को मुनाकिद कराया, मटवाड़ वाले हमारे जुनेद भाई, अशरफ भाई, बहुत सारे नौजवान है, बड़ी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं हमारे ये जुनेद भाई, अशरफ भाई, दीगर बहुत सारे लोग हैं, अल्लाह सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। तबरेज भाई है हमारे, शाहिद भाई है कानवी यूके से आए हैं, अल्लाह सबकी कुर्बानियों को मेहनतों को कबूल फरमाए। इनकी यही मेहनत है गांव जन्नत का टुकड़ा बन जाए, मुआशरा सुधर जाए, ब्याज छूट जाए, लोग झूठ छोड़ दे, धोखा छोड़ दे, मस्जिदों में मस्जिद आबाद हो जाए। अल्लाह इनकी कुर्बानियां कबूल फरमाए, इनकी नियतों के मुताबिक अल्लाह बेहतरीन बदला अता फरमाए। जो जो लोग इंतकाल कर गए हाल ही में, ये खदीजा मूसा लोरगत, हाफिज गुलाम भाई लोरगत, रशीदा बेन लोरगत, और बहुत सारे मरहूमीन, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह सबकी मगफिरत फरमाए। हमारे एक दोस्त है शमसुद्दीन, उनके किसी रिश्तेदार को आईसीयू में रखा है, बहुत बीमार है, अल्लाह इनको भी शिफा अता फरमाए। बहुत सारे लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमाए। जितने लोग बारगाह एसडी में जा चुके अल्लाह सबकी मगफिरत फरमाए। या साहिब अल जमाल व या सय्यद अल बशर मिन वजहिक अल मुनीर लक़द नुवर अल क़मर ला यमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।